कैसे हैं बेटे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डीएनएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप भी जानते हैं। जो बच्चे हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए, हमारी जो टॉपिक चल रही है वो हमारी टॉपिक चल रही है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग टेलर थ्योरम की बात कर रहे हैं। हमारी टॉपिक क्या चल रही है? एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। इसमें टेलर थ्योरम आता है। टेलर थ्योरम का मतलब क्या होता है, वो मीनिंग क्या होता है, उसको समझने के पहले हमको सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन समझना चाहिए। और इसको भी समझने के लिए हम लोग कल का जो हम लोग हमने आपको पढ़ाया था उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमने मैकलॉरिन थ्योरम पढ़ा दिया है। तो मैकलॉरिन थ्योरम के ड्यूरेशन में हमने आपको बताया एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। अभी भी हम बताएंगे एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि टेलर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो टेलर थ्योरम की बात अगर हम बात करें बेटा ना, टेलर थ्योरम क्या होता है, तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं बच्चा, टेलर थ्योरम का मतलब ये होता है कि जब भी कोई फंक्शन है उस फंक्शन का हम एक्सपेंशन करते हैं इन द पावर ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ठीक है ना। मतलब एक्स को, मतलब किसी भी फंक्शन को हम एक्स के असेंडिंग पावर में हम एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं। तो वहां पे दो थ्योरम आते हैं, पहला होता है मैकलॉरिन थ्योरम, दूसरा होता है टेलर थ्योरम। तो मैकलॉरिन थ्योरम का यूज हम तब करते हैं जब, मैकलॉरिन थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, मैकलॉरिन थ्योरम का यूज हम तब करते हैं जब एक्स बराबर जीरो यूज करते हैं तब, ठीक है। लेकिन टेलर थ्योरी में हम एक्स बराबर जीरो पुट नहीं करेंगे, वहां पे हम कुछ बात रखेंगे एक्स बराबर ए पे बात रखेंगे, एक्स बराबर एक्स प्लस एच पे बात रखेंगे। मतलब हम ये करेंगे कि एक्स प्लस एच के फॉर्म में हम टेलर थ्योरम को एक्सपेंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने यही किया ही था, ठीक है। उन्होंने एक्स बराबर जीरो पुट नहीं किया था, ठीक है, या करेंगे भी तो कुछ अलग तरीके से करेंगे। आइए देख लेते हैं टेलर थ्योरम क्या होता है और किस तरह से ये चीजें होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, हमारा जो, हमारा आज की जो टॉपिक है वो हमारी टॉपिक है टेलर्स थ्योरम। क्या है? टेलर्स थ्योरम, ठीक है। टेलर्स थ्योरम ये हमारी आज की टॉपिक है, TALOR टेलर्स थ्योरम, ठीक है ना, टेलर्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम एक्चुअली में होता है क्या है, इसको आप समझिए। टेलर्स थ्योरम क्या होता है, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ एच, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ, बी अ फंक्शन ऑफ एच, बी अ फंक्शन ऑफ एच, ठीक है। एक्स बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एच, एक्स बीइंग इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एच, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एच, ठीक है। विच कैन बी एक्सपेंडेड, विच कैन बी एक्सपेंडेड, विच कैन बी एक्सपेंडेड, विच कैन बी एक्सपेंडेड, विच कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ एच, इन पावर्स ऑफ एच, ठीक है, इन पावर्स ऑफ एच, एंड द एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल, एंड द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एंड एक्सपेंशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो डिफरेंशिएबल होता है। देन देन ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट 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 एच के पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका, इसी को हम बोलते हैं टेलर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज टेलर्स थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेलर्स थ्योरम, ठीक है। इट इज नोन एज, दिस इज नोन एज टेलर्स थ्योरम, दिस इज नोन एज, नोन एज टेलर्स थ्योरम, नोन एज टेलर्स थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
टेलर्स थ्योरम बोलते हैं, क्लियर है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेलर्स थ्योरम बोलते हैं, क्लियर है ना? ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, इसी को हम बोलते हैं टेलर्स थ्योरम, ठीक है ना? टेलर्स थ्योरम का मतलब यही होता है, टेलर्स थ्योरम ये इसी एक्सपेंशन को हम बोलते हैं, इसी थ्योरम को क्या बोलते हैं, टेलर्स थ्योरम हम बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की अगर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो अब इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देखिए हम कैसे करेंगे। लिखा है लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है ना, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ए जीरो, ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच की पावर थ्री प्लस ए फोर एच के पावर फोर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। वेयर ए जीरो, वेयर आप मेंशन करोगे वेयर ए जीरो कॉमा ए वन कॉमा ए टू कॉमा डॉट 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 आर फंक्शंस ऑफ एक्स, आर फंक्शंस ऑफ, आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शंस है एक्स का, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये हम कल भी बताए थे आपको, लेकिन वहां पे एफ ऑफ एक्स में था, ठीक है, क्योंकि एक्स के पावर में एक्सपेंड कर रहे थे, यहाँ हम एच के पावर में एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि टेलर्स थ्योरम ने एच के पावर में एक्सपेंड करने का प्रयास किया। देखो टेलर्स थ्योरम ने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी है कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को जो एच के पावर के रूप में एक्सपेंड करने का प्रयास किया, किसके रूप में एक्सपेंड करने का प्रयास किया, एच एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस एच के पावर के रूप में एक्सपेंड करने का प्रयास किया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करते हैं, नाउ बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कल के किए थे एकदम सेम आज कर रहे हैं, ठीक है ना, नाउ बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एच, एच के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ से मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ से एच हट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा ए वन मिलेगा, यहाँ से टू एच ए टू मिलेगा, फिर यहाँ से हमको मिलेगा थ्री ए थ्री, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस यहाँ से मिलेगा फोर ए फोर एच की पावर थ्री प्लस डॉट 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 ऐसे चलेगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, एक बार और करिए। एफ डबल डैश अगर हम बात करें, एफ डबल डैश एक्स प्लस एच इज इक्वल टू हमको मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा अगर हम एक बार और करें तो टू इंटू वन इंटू ए टू मिलेगा, फिर हमको मिलेगा थ्री इंटू टू इंटू, ठीक है, थ्री इंटू टू, देखो बैक में आओ क्या मिलेगा, यहाँ से खत्म हो गया टू इंटू, हाँ ये हो गया टू इंटू ए टू मिल गया, थ्री इंटू ए टू इंटू वन इंटू एच इंटू ए थ्री, क्या लिखेंगे, ठीक है एफ डबल डैश, हाँ ये मिलेगा, ठीक है एफ डबल डैश में हमको मिलेगा थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री इंटू एच, ए थ्री इंटू एच प्लस लिखेंगे फोर इंटू थ्री, फोर इंटू थ्री इंटू ए फोर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 ये चलेगा। फिर एफ ट्रिपल डैश हम करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा खत्म, थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री मिलेगा, फिर फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू ए फोर इंटू एच मिलेगा, प्लस डॉट 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 इस टाइप से मिलेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग एच बराबर जीरो वी गेट, मतलब जिसके एक पावर के रूप में एक्सपेंड करते हैं उसी को जीरो में पुट करें, जैसे टेलर थ्योरम में हमने ये किया कि हम एच की पावर में एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम एच बराबर जीरो पुट करेंगे, मैथमेटिकल थ्योरम में हम क्या करते थे, एक्स की पावर के एक्सपेंड करते थे, एक्स के पावर के रूप में ही एक्सपेंड करते थे तो हम एक्स बराबर जीरो पुट करते थे, वहां पे याद करो जब मैथमेटिकल थ्योरम में हम क्या करते थे, एक्स हम ये बोलते थे ना कि कोई भी फंक्शन है एक्स के असेंडिंग पावर में लिखा जाता है, यही ना होता है,
तो टेलर्स थ्योरम में यही होता है, मतलब जिसके पावर में एक्सपेंड करेंगे उसी को हम जीरो पुट करते हैं, ठीक है। तो एच बराबर जीरो पुट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा एच बराबर जीरो। अब ध्यान से सुनना कहाँ कहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से एच बराबर जीरो पुट करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सॉरी कहाँ से यहाँ से प्रूव करेंगे, ये तो हमें लाना ही है, एफ ऑफ एक्स बराबर ए जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये भी देखो एच बराबर जीरो खत्म, तो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए जीरो आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर ए जीरो, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, ए जीरो मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या मिलेगा, फिर सोचो एक्स एच बराबर जीरो पुट करना है तो हमको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर हमको मिलेगा ए वन, क्या मिलेगा हमको, मिलेगा एक्स इंटू हमको मिलेगा ए वन, ठीक है ना, हमको क्या मिलेगा ए वन मिलेगा, रख लेना वहां पे ए वन मिलेगा। एफ डबल डैश एक्स बराबर हमको मिलेगा टू फैक्टोरियल इंटू ए टू मिलेगा, और यहाँ से हमको ए टू की जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से जो हमको ए टू की जो वैल्यू मिलेगा वो हमको मिलेगा एफ डबल डैश एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है। फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू हमको मिलेगा थ्री फैक्टोरियल इंटू ए थ्री मिलेगा, और ए थ्री की जो वैल्यू मिलेगा हमको एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो हमको मिलेगा एफ फोर्थ एक्स इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल इंटू ए फोर मिलेगा, ए फोर बराबर हमको मिलेगा एफ फोर एक्स बराबर फोर फैक्टोरियल। इस टाइप से हमको सबका वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इन सब की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर, इसको आप बना सकते हैं, इसको स्टार बना लीजिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार से हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन स्टार वी गेट हमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू हमको मिलेगा ए जीरो, पहला क्या था ए जीरो था, तो मतलब हमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स मिलेगा, फिर क्या मिलेगा हमको ए वन एच था तो एच एफ डैश एक्स मिलेगा, फिर क्या मिलेगा एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, देख मतलब यहाँ क्या है एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू ए इंटू इंटू मिलेगा हमको इंटू एफ डबल डैश एक्स मिलेगा, और फिर प्लस एच की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स मिलेगा, प्लस डॉट डॉट इस टाइप से हमको मिलेगा। देखिए ये हो गया, यही प्रूफ हो गया इसका, ठीक है, प्रूफ भी आता है बेटा, हैंस प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। जबकि प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, हमेशा ध्यान रखना है जिसकी पावर के रूप में हम एक्सपेंड करते हैं, जिसकी पावर के रूप में हम इसको एक्सपेंड करेंगे उसी पावर के रूप में हम उसको, हम x बराबर जैसे मैकलॉरिन थ्योरम में क्या करते थे x बराबर जीरो पुट करते थे, यहाँ पे टेलर्स थ्योरम में क्या करेंगे h बराबर जीरो पुट करेंगे, क्यों करेंगे, सोचो क्यों करेंगे x बराबर h बराबर जीरो, क्योंकि हम h के रूप में ही एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए शुरुआत करते हैं बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको हम अदर फॉर्म में भी बना सकते हैं। यहां से अगर आप x बराबर a, पुटिंग x बराबर a इन टेलर थ्योरम, ये देखिए है ना टेलर थ्योरम, तो पुटिंग x बराबर a इन टेलर थ्योरम, इसके अलग अलग रूप आते हैं, केस फर्स्ट आप कह सकते हैं, केस फर्स्ट पुटिंग पुटिंग x बराबर a इन टेलर थ्योरम, इन टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम में आप x बराबर पुट करिए a, ठीक है ना। जब x बराबर a पुट करेंगे यहाँ पे x बराबर a, तो क्या हो जाएगा, सोचो x बराबर a पुट करना है, ठीक है, हमको x बराबर क्या पुट करना है a, तो हमको मिलेगा f ऑफ a प्लस h, और फिर f ऑफ a f डैश a, ऐसे कुछ हमको मिलने शुरू हो जाएगा। तो हम लिखेंगे f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h बराबर हमको मिलेगा f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच के पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए
प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब यहां से हमको मिलेगा, जब हम दूसरा केस की बात करेंगे, इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम लिख सकते हैं पुट ए बराबर जीरो एच बराबर एक्स, ठीक है ना। अब दूसरा केस की बात करेंगे, पुट दूसरा केस, पुट ए इसी में हम करेंगे, ठीक है ना, इसी में हम करेंगे पुट ए बराबर जीरो, क्या पुट करेंगे, और एच बराबर एक्स। पुट ए बराबर हम क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, और एच बराबर क्या पुट करेंगे, एक्स पुट करेंगे, ठीक है। एच बराबर हम क्या पुट करेंगे, एक्स। तो हमको क्या मिलेगा जानते हो, हमको मिलेगा मैकलॉरिन थ्योरम। देखो पुट करके देखो यहाँ पे, तो हमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ से ए बराबर जीरो कर रहे हो तो एफ ऑफ जीरो, यहाँ से एच बराबर एक्स तो एफ डैश जीरो पुट करोगे, प्लस ए, इससे इससे निकाल रहे, ठीक है ना। स्टार मत दो इसको, इसको कुछ और नाम दे दो, इसको वन दे दो, ठीक है, जो भी है मतलब इसी में रख रहे हैं, ठीक है ना, इसी में रख रहे हैं, इसी में रख रहे हैं इसको, ठीक है। एफ डैश जीरो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश जीरो हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश जीरो हो जाएगा प्लस डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। विच इज नथिंग, विच इज मैकलॉरिन थ्योरम, विच इज मैकलॉरिन थ्योरम, विच इज मैकलॉरिन्स, मैकलॉरिन्स थ्योरम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैकलॉरिन्स थ्योरम, ठीक है ना। अब हम क्या पुट करते हैं, पुट h बराबर x माइनस a, यहाँ पुट करेंगे, पुट केस थर्ड की बात करें, ये सब केस बनते हैं, ये सब केस बनते हैं जब कुछ नहीं है यहाँ पे, ये सब जानने की हमें जरूरत भी नहीं, क्या आप इसको नहीं जानते हैं, जानते हैं कि नहीं, जानते ही बस हमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। पुट h बराबर x माइनस ए, क्या पुट करेंगे, h बराबर x माइनस ए, यहाँ पुट करिए, कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ h मिलेगा वही पुट करेंगे, तो यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। h बराबर क्या पुट करेंगे, x माइनस ए, इसी में पुट करिए, तो आपको क्या मिलेगा, h की जगह पे x माइनस ए करेंगे तो a से कट जाएगा, तो f ऑफ h मिलेगा, f ऑफ a की जगह पे पुट, h की जगह पे कुछ वो नहीं पुट करना है, तो हमको मिलेगा f ऑफ a मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, प्लस x माइनस ए एफ डैश a प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए के पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, खत्म हो गया। तो ये जो था आपका, ये आपका टोटल इसमें था, क्लियर है ना, कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया है, तो आइए आगे चलते हैं, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना है, देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर है तो समझ में आना चाहिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला जो हमारा है, ध्यान से सुनना, अगला जो हमारा होगा वो हमारा होगा एक्सपैंड लॉग एक्स प्लस ए इन पावर ऑफ एक्स। देखो एग्जांपल देखो कैसे दे रहा है, एक्सपैंड लॉग एक्स प्लस ए, एक्सपैंड ये एग्जाम्पल देखो इसका, एक्सपैंड एक्सपैंड लॉग एक्स प्लस ए इन पावर ऑफ एक्स बाय टेलर्स थ्योरम, एक्स बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम, ठीक है ना, इसमें बोल रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, हमको पता है हियर एफ ऑफ एक्स प्लस ए बराबर होता है लॉग एक्स प्लस ए, ये होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए बराबर होता है लॉग एक्स प्लस ए, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए बराबर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस ए, ये समझ में आ रहा है, ये भाई टेलर्स थ्योरम से अगर मानना है तो टेलर्स थ्योरम में स्टार्टिंग में भी तो आप यही करते थे ना, देखो आप टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन देखो, एफ ऑफ जैसे ये बैक में आओ एकदम और बैक में आओ, ठीक है, आप क्या करते थे, एच है एक्स प्लस एच, इसी एच की जगह पे आपका क्या आया है, ए आया है, ठीक है ना, लेकिन आपको आपको एक्स के पावर के रूप में एक्सपेंड करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स के पावर के रूप में आपको एक्सपेंड करना है, तो x के पावर के रूप में अगर आपको एक्सपेंड करना है तो क्या करेंगे आप, इसके लिए सोचिए थोड़ा सा, तो x के पावर के रूप में एक्सपेंड करना है तो हम क्या करेंगे,
ठीक है, हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, एक्स के पावर के रूप में अगर हमको एक्सपेंड करना है तो हम इसका हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे? ठीक है, हाँ, एक्स बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं, एच बराबर हम पुट कर रहे हैं एक्स माइनस ए, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है। एच बराबर अगर एक्स माइनस ए पुट करेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ना बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स एफ डबल डैश ए, इस टाइप से हमारा ये होगा। ठीक है ना, तो आपका जो बनेगा, आपका जो ये प्रोफार्मा बनेगा इन द पावर ऑफ थीटा बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। आपको करना क्या है वो आप समझिए पहले। देखिए आपको करना क्या है, आपको मेनली क्या करना है उसको हमको जानना है। टेलर्स थ्योरम से हमें एक्सपेंड करना है तो हम ये करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हमें एक्स के पावर के रूप में एक्सपेंड करना है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एक्स के पावर के रूप में हमको इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए बराबर लॉग एक्स प्लस ए, ठीक है ना, तो एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। उसकी हेल्प से क्या करेंगे आप, ठीक है ना, एक्स बराबर जीरो पुट कर देंगे तो लॉग ए हो जाएगा, लेकिन उसकी की हेल्प से करेंगे क्या। टेलर थ्योरम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टेलर थ्योरम का फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉग एक्स प्लस ए बराबर होता है, सारे तो एक्स प्लस ए में ही होते हैं, इन द पावर एफ एक्स माइनस टू के पावर में एक्सपेंड करना है तो ये हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, अगर एक्स के पावर के रूप में हमको एक्सपेंड करना है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको कौन सा चीज तरीका लगाना चाहिए कि वो एक्स के पावर के रूप में एक्सपेंड हो जाए। ठीक है, तो हमको ये करना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर ये एच के पावर के रूप में एक्सपेंड है, किसके रूप में एक्सपेंड है, एच के पावर के रूप में एक्सपेंड है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, ये किसके रूप में एक्सपेंड है, एच के पावर के रूप में एक्सपेंड है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा। और हमें किसके रूप में एक्सपेंड करना है, हमको किसके रूप में एक्सपेंड करना है, हमको एक्सपेंड करना है एक्स के पावर के रूप में। ठीक है ना, जब एक्स के पावर के रूप में एक्सपेंड करना है तो इसका मतलब ये हुआ हमको क्या निकालना चाहिए, हमको निकालना चाहिए एफ डैश ए एफ डबल डैश ए एफ ट्रिपल डैश ए, ये हमको निकालने आना चाहिए। ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे पास होता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नाउ बाई टेलर्स थ्योरम, जो टेलर्स थ्योरम बोलता है बेटा वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ क्या, ए प्लस एक्स एफ डैश ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स के पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस, ऐसे ऐसे डॉट 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 जाएगा। ठीक है ना, एफ ए एफ डैश ए, ये देखो एक्स के पावर के रूप में एक्सपेंड हुआ है और ये खुद टेलर थ्योरम ऐसे हो रहा है। समझ में आ रहा है कि जिसके पावर के, जैसे एफ बोलता है ए के पावर के रूप में एक्सपेंड करो तो एक्स को अंदर डालते ए को बाहर डालते, कुछ नहीं था इसमें, समझ रहे हो। तो यही सबकी वैल्यू निकालना है। तो बच्चा एफ ऑफ ए निकालने के लिए तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स बराबर जीरो पुट करोगे, है ना, करोगे कि नहीं करोगे बोलो। तो हम क्या करते हैं, इसको हम जो जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस ए बराबर क्या दिया है, लॉग एक्स प्लस ए दिया है कि नहीं दिया है, तो हम एफ डैश निकालते हैं एक्स प्लस ए, हम यहाँ से क्या पुट करेंगे, वन मतलब डीडीएक्स करेंगे ना, इसका हम क्या करेंगे डीडीएक्स करेंगे बच्चा, इसका हम क्या करेंगे डीडीएक्स करेंगे, डीडीएक्स ऑफ लॉग हो जाएगा एक्स प्लस ए हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको वन अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा कि नहीं, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए होगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वन ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको मिलेगा माइनस वन एक्स प्लस ए के पावर माइनस टू मिलेगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, हमको हमको मिलेगा वन अपॉन एक्स प्लस ए की पावर दो मिल जाएगा। ठीक है,
ये मिल गया, एफ डबल डैश हो गया ना बच्चा, एफ डबल डैश सॉरी एफ डबल डैश हो गया। अब आप ट्रिपल डैश अगर आप निकालेंगे, ट्रिपल डैश एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए निकालेंगे तो यहां से मिलेगा माइनस टू अपॉन एक्स प्लस ए के पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमको इस तरह से मिलता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पुट में हमको f ऑफ a निकालना है, हमको क्या निकालना है, f ऑफ a। तो f ऑफ a निकालने के लिए x बराबर 0 पुट करेंगे, तो x बराबर 0 पुट करेंगे यहां से तो log क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यहां से हमको f डैश हमको a चाहिए, तो यहां से क्या करेंगे, a निकालने के लिए 1 अपॉन a करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, f ट्रिप डबल डैश है यहाँ पे, तो f डबल डैश ए हमको नहीं चाहिए, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, नहीं 1 ही होगा, माइनस नहीं आया क्या यहाँ पे, ये माइनस कहाँ से आ गया, अजीब हाल है। एक बार की ये माइनस कहाँ से आ गया, अरे ये माइनस कहाँ से आया भाई, ओफो ये वाला माइनस कहाँ से आ गया, ये तो माइनस तो नहीं ना था, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये तो माइनस नहीं ना आएगा, नहीं ये माइनस कहाँ से आएगा, ये तो माइनस नहीं आएगा, ये तो वही रहेगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ये, हमको बस यही मिलेगा। तो आपको मिलेगा माइनस, यहाँ माइनस मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहाँ हमको माइनस मिल जाएगा, और ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा एफ डबल डैश, हमको मिलेगा माइनस माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, और एफ ट्रिपल डैश ए करेंगे अगर आप, तो हमको मिलेगा 2 अपॉन ए के पावर 3 मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप से हमको मिलता जाएगा। तो उसमें उठा के रख देंगे, सबकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो क्या मिलेगा बताओ, हमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस ए मतलब लॉग एक्स प्लस ए, क्या मिलेगा, ए लिख दे ऊपर, नहीं रहने दो, यहाँ लिख देते लॉग एक्स प्लस ए, क्या मिलेगा, log x प्लस ए इज इक्वल टू मिलेगा हमको, क्या मिलेगा बताओ, हमको मिलेगा log a, क्या मिलेगा, log a मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, log a मिलेगा, फिर मिलेगा हमको, हाँ देखो क्या मिलेगा, प्लस x बाई ए मिलेगा क्योंकि उसकी वैल्यू ये था, फिर माइनस मिलेगा x बाई टू ए स्क्वायर, फिर प्लस मिलेगा, फिर मिलेगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 ए की पावर 3, क्योंकि सब कुछ निकाले हैं हम यहाँ पे, और फिर माइनस मिल जाए, अल्टरनेट चलता है यार, ठीक है, खत्म हो गया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है, क्लियर है बेटा, कुछ नहीं है, जबकि बहुत ही सिंपल है। टेलर थ्योरम पे हम एक क्लास और लेंगे, लेकिन अभी आज जितना बता रहे उसको समझने की कोशिश करिए, स्कूल में भी बताया गया होगा बहुत ही सिंपल तरीके से, यहाँ पे भी जो बता रहे हैं बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं बता रहा है, ठीक है ना, सब कुछ सरल में आ रहा होगा। अब देखिए अगला चीज, देखिए देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक्सपैंड एग्जाम्पल देखिए आप, एक्सपैंड बढ़िया क्वेश्चन है, साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा, साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा इन पावर ऑफ थीटा, इन पावर ऑफ थीटा, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपैंड साइन, एक्सपैंड साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा इन पावर ऑफ थीटा, ये हमारा है, ठीक है ना। अब अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे इसका सोल्यूशन, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना एफ ऑफ, क्या कहेंगे इसको, सोचो थीटा के रूप में एक्सपेंड करना है, तो हम ये मानेंगे कि एफ ऑफ, ठीक है, ए प्लस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, हमको थीटा के पावर में एक्सपेंड करना है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ थीटा, सॉरी थीटा के पावर ग्रुप में एक्सपेंड करना है ना हमको, हमको क्या करना है थीटा के, अरे भाई मिटो रे, ये तो मिटवा नहीं करता है, हमको किसके रूप में एक्सपेंड करना है, हमको थीटा के रूप में एक्सपेंड करना है, तो हमको होगा एफ ऑफ पाई बाई फोर, पहला यही होगा, फिर क्या होगा, ठीक है, फिर थीटा, थीटा एफ डैश पाई बाई फोर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, थीटा स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश पाई बाई फोर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, थीटा के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश पाई बाई फोर लिखेंगे, फिर प्लस डॉट डॉट ऐसे जाएगा, ठीक है ना,
ये हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे आप पाई बाय फोर कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं है, एक जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पाई बाय फोर भी कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। आप यहाँ पे पाई बाय फोर कर लीजिए, ठीक है ना। एक्चुअली में वही बनता ही है यहाँ पे, एफ ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा ही बनता है, ये थीटा के रूप में बन रहा है ये। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छी बात है, यही होता है, और कुछ होता है। टेलर थ्योरम इसी को बोलते हैं, टेलर थ्योरम किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। जीरो पे नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ नहीं। अब हमको ये दिया हुआ है एफ ऑफ, आपको दिया है पाई बाय फोर प्लस थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन पाई बाय फोर प्लस थीटा आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, एफ डैश निकालोगे भाई इसका, आप एफ डैश निकालोगे, क्या निकालोगे, एफ डैश निकालोगे इसका, एफ डैश निकालो, पाई बाय फोर प्लस थीटा करो, साइन के क्या होता है कॉस हो जाएगा, पाई बाय फोर प्लस थीटा हो जाएगा। फिर एफ डबल डैश निकालो, फिर क्या निकालोगे, पाई बाय फोर प्लस थीटा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, पाई बाय फोर प्लस थीटा हो जाएगा। फिर क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश हो जाएगा, पाई बाय फोर प्लस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय फोर प्लस थीटा, ठीक है ना। फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा एफ फोर, ठीक है, पाई बाय फोर प्लस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा साइन पाई बाय फोर प्लस थीटा, ठीक है ना। ये हमारा ऐसे ऐसे बनता जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है। हमको क्या निकालना है, आप खुद सोचो, हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एफ पाई बाय फोर, थीटा की वैल्यू जीरो रख लो। क्या करोगे, थीटा की वैल्यू जीरो, जब थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो देखो अगले पेज पे कर देते हैं इसको, ठीक है। अगले पेज पे जब थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो हमको मिलेगा, ठीक है, हमको मिलेगा एफ डैश एफ ऑफ पाई बाई फोर इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर, क्या लिखोगे, साइन पाई बाई फोर। तो साइन पाई बाई फोर की वैल्यू कितना होता है, वन अपॉन रूट में टू होता है। एफ डैश पाई बाई फोर जो होता है वो क्या होता है, एफ डैश, तो यहां से लिखोगे कॉस पाई बाई फोर, क्या लिखोगे, कॉस पाई बाई फोर, कॉस पाई बाई फोर बोले क्या होता है, वन अपॉन रूट में टू होता है। एफ डबल डैश पाई बाई फोर की जो वैल्यू लिखोगे वो क्या होता है, वो होता है माइनस का साइन पाई बाई फोर। तो होगा क्या, माइनस में वन अपॉन रूट में टू, सब पीछे पलट के देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस हम थीटा के जगह पे जीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, थीटा तभी तो आएगा ये सब चीजें। फिर एफ ट्रिपल डैश पाई बाई फोर इज इक्वल टू हो जाएगा, ट्रिपल डैश की अगर बात कर रहे हैं तो हो जाएगा, देखो क्या है, आप खुद ही देख लो, ट्रिपल डैश हमने निकाला भी है यहाँ पे, क्या निकाला है, ट्रिपल डैश निकाला है ना, माइनस का कॉस पाई बाई फोर प्लस थीटा, तो माइनस का कॉस पाई बाई फोर हो जाएगा, माइनस का कॉस हो जाएगा, यहाँ से पाई बाई फोर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का वन बाई रूट टू। तो फाइनली देखा जाए तो इस तरह से निकलता जाएगा। अब जो स्टार बना, इसको स्टार लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन, ये स्टार है, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, स्टार से हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखो, हमको मिलेगा साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा, हमको मिलेगा साइन पाई बाई फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, हमको मिलेगा वन अपॉन रूट टू प्लस थीटा इंटू एफ डैश की वैल्यू कितना है, वन अपॉन रूट टू, फिर प्लस में ही रहेगा ना, हाँ, फिर क्या रहेंगे, प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू माइनस वन अपॉन रूट टू हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस थीटा के पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू माइनस वन अपॉन रूट टू, ये मतलब हमें ऐसा ऐसा मिलता जाएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वन अपॉन रूट टू हम कॉमन ले लेते हैं सब में से, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, यहाँ से थीटा मिलेगा, माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस थीटा के पावर माइनस में थीटा के पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस, ऐसे से हमको मिलता जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, काम खत्म। क्लियर है ना, कोई डाउट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है ऐसे, बहुत बढ़िया, मतलब वास्तव में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहीं पे कर दें, अगले पेज पे आओ, इसी पे कर देते हैं, समझ रहे हो ना, कोई खास दिक्कत है तो बोलो, मेरे ख्याल दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल को देखो, क्या है एग्जाम्पल, लिखा है एक्सपेंड साइन एक्स, एक्सपेंड साइन एक्स, क्या लिखेंगे, एक्सपेंड साइन एक्स,
एक्सपैंड शाइन, एक्सपैंड 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 शाइन एक्स इन पावर ऑफ, मेन जानते किसके रूप में वो एक्सपैंड करना चाहता है, इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस पाई, बहुत बढ़िया चीज बता देता है, ठीक है ना। अब देखो साइन एक्स को हमको एक्सपैंड करना है इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू, मतलब अभी जो था वो देखो कैसे था, अभी इस क्वेश्चन को देखो क्या था, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, मतलब ये ए प्लस बी के फॉर्म में है, ये ए प्लस बी के फॉर्म में है तो ए या बी में वो एक्सपेंड कराएगा, अगर ये ए प्लस बी के फॉर्म में है तो ए या बी में एक्सपेंड कराएगा, और ये खुद मान लो अकेला है तो ए माइनस बी के फॉर्म के रूप में एक्सपेंड कराएगा। देखो ये खुद करवा रहा है तुमसे, करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे यही सोचना है तुमको, इस केस में हम क्या करेंगे यही सोचना है तुमको, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना तुमको, बस यही सोच लेना, काम खत्म। तो तुमको ये करना है, ठीक है ना, तुमको ये करना है एक्स माइनस पाई बाई टू की पावर के रूप में हमको साइन एक्स को एक्सपैंड करना है। तो तुम ये करो ना, तुम ये करो कि यहां से आप ये करो एफ ऑफ एक्स बराबर जैसे लिखा हुआ है, तो आपको ये करना चाहिए कि हम इसको पाई बाई टू के फॉर्म के रूप में लिखें, ठीक है ना, हम इसको लिखें, जैसे सॉल्यूशन देखो इसका कैसे बनेगा, हम लिखने का बस तरीका होना चाहिए, फिर देखो सारे फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, लिखो जैसे ये साइन एक्स लिखा है ना बेटा, साइन एक्स लिखा है तो इसको लिख सकते हो साइन अंदरमा पाई बाई टू, जोड़ दो भाई, और पाई बाई टू घटा दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और पाई बाई टू क्या कर दो, घटा दो, तो प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, मेरे ख्याल से तुमको यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया, मतलब पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू कर लो भाई, इसको काट भी सकते हो, काम खत्म हो जाएगा। अब ये जो चीज मिला हुआ है ना तुमको, ये वाला, इसी के बारे में बोल रहा है, हमको इसी के पावर के रूप में एक्सपेंड करना, तो अंदर क्या आना चाहिए, पाई बाई फोर आना चाहिए। देखो मतलब हमेशा जो भी मतलब ये चीजें हैं इसके पावर के रूप में एक्सपेंड करना है तो ये अंदर आना चाहिए, मतलब इसके पावर के रूप में एक्सपेंड करना है तो जो फॉर्मूला बनेगा ना, देखो क्या बनेगा, इस जो फॉर्मूला हमारे सामने जो बनेगा वो हमारे ये बनेगा कि जो साइन एक्स बराबर होगा वो ऐसे लिखेंगे, मतलब इसको आप एफ एफ एक्स बना लो, एफ ऑफ एक्स बराबर कर लो, ठीक है, आप लिखो एफ ऑफ पाई बाई टू, क्लियर रखो एकदम, इसके इसकी ये अंदर रहेगा और ये पावर बाहर रहेगा, प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का इंटू एफ डैश ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, फिर प्लस करो एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश पाई बाई टू, ठीक है, फिर प्लस होगा एक्स माइनस पाई बाई टू का होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और यहां से मिलेगा एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से होगा। ये अपने आप से सोचो, इसमें टेलर्स थ्योरम मैकलाइन थ्योरम का कोई मतलब वो नहीं है, बट इतना जानो कि ये होता है और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सब सिंपल है, बिल्कुल सब सिंपल है, हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे वहां पे बस, और कुछ नहीं, ठीक है, जिसके पावर के रूप में एक्सपेंड कर रहा है उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ है वही अंदर होना चाहिए, देखो सब में वही अंदर है, बस ये कर लो काम खत्म, ठीक है, जिसके पावर के रूप में एक्सपेंड करना है। अब ये सबकी वैल्यू निकालो, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है पाई बाई टू, बस हमको और कुछ नहीं करना है, साइन एक्स कॉस एक्स हमको ये कर लेना है, ठीक है, हमको क्या कर लेना है, एफ ऑफ एक्स बराबर देखो क्या है, एग्जाम्पल देखो इसका, मतलब आगे देखो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ से साइन एक्स है कि नहीं है, है ना, तो एफ डैश निकालो, क्या होगा, क्या होगा, कॉस एक्स होगा, होगा ना, अगर यहाँ से देखो ये है तो यहाँ से अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू बताओ तो क्या बोलोगे, साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू बोले कितना होता है, वन होता है, यहां से मैं बोलूँ बताओ एफ डैश पाई बाई टू बोलो तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्या, कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू बोले कितना होता है, जीरो होता है, काम खत्म, फिर एफ डबल डैश इसका करोगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो
एफ डबल डैश पाई बाई टू की जो वैल्यू होगा माइनस का साइन पाई बाई टू और इसकी वैल्यू होता है माइनस वन, एफ ट्रिपल डैश एक्स जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ ट्रिपल डैश पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस का कॉस पाई बाई टू और इसकी वैल्यू होता है जीरो, काम खत्म। फिर एफ फोर्थ करोगे एफ फोर्थ एक्स इक्वल टू होता है माइनस का प्लस हो जाएगा साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ फोर्थ पाई बाई टू की जो वैल्यू होता है वो होता है आप लिखोगे साइन पाई बाई टू, इसकी वैल्यू होता है वन, ठीक है। तो फाइनली ये होता है और इन सब की वैल्यू उठा के वहां रख दो, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन सब की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, वहां रख दो, कौन सा, यहाँ रखो, तुम्हारा सीधा आंसर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दो, काम खत्म। तो यहां से मिलेगा तुमको साइन एक्स, क्या मिलेगा, ठीक है, आप लिखोगे फ्रॉम, यही पे लिख लो ना, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, नहीं दिए तो बना लेना, फ्रॉम इक्वेशन स्टार हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ पाई बाई टू, पहली वैल्यू वन है, फिर दूसरा क्या होगा, एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स माइनस पाई बाई टू इन टू, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो दिया है, फिर प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू, इसकी वैल्यू दिया है आपका माइनस वन, और फिर इसकी वैल्यू जीरो दिया है, इसकी वैल्यू दिया है फोर्थ में, तो हम लिखेंगे प्लस लिखेंगे एक्स माइनस पाई बाई टू के पावर फोर लिखेंगे अपॉन फोर फैक्टोरियल इन टू लिखेंगे वन लिखेंगे, फिर माइनस ऐसे ऐसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो लिखेंगे वन प्लस एक्स, ये तो जीरो हो जाएगा, खत्म, ये भी जीरो, अब यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और फिर प्लस लिखेंगे एक्स माइनस पाई बाई फोर पाई बाई टू का होल स्क्वायर होल की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, मतलब वो इस टाइप से बनता जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा, और कुछ है नहीं, देख लो यही है, आप बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, इतना आसान, इतना सरल, इतना बढ़िया, और कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत ही सिंपल। आगे चले, बोलो, इजाजत हो तो आगे चले, नहीं तो फिर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोलो जल्दी बोलो। चलो तब आगे चलते हैं, x माइनस टू की पावर ग्रुप में एक्सपेंड करने के लिए बोला है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, आगे बढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, टेन इनवर्स एक्स प्लस एच होगा, वहां पे देख लो आप, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेकर आओ जो कि बढ़िया क्वेश्चन है, उसको करा देते हैं, और फिर इसके बाद हम आपसे और आगे बात करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल, और भी आगे बात करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है और किस तरह से किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, लिखा है एक्सपैंड, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ अगले पेज पे चलो। देखो क्या लिखना है, लिखा है एक्सपैंड, ठीक है ना, एक्सपैंड एक्सपैंड लिखा है 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इन द पावर ऑफ x माइनस 2, दो के पावर ग्रुप में इसको हमको एक्सपेंड करना, ठीक है, एक्सपेंड 2x³ प्लस का 7x² प्लस x माइनस 6 और हमको दो के पावर ग्रुप में एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि इसका रूट हो, बस हम इसको एक्सपेंड करना है, तो सीधे आप देखो यही तरीका करो, x माइनस टू जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन मान लो ये f(x) है, देखो ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं करना है, इसको मान लो ये f(x) है, क्या है, x³ प्लस का 7x² यही है ना, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, सिंपल ये है और कुछ नहीं करो, सीधा ये लिखो, ठीक है ना, एक्स माइनस टू की पावर को के बोला है, तो आप सीधे फॉर्मूला लगाओ, एफ ऑफ एक्स बराबर होता है, ठीक है, एफ ऑफ दो, ठीक है, एफ ऑफ दो, वहां से लिखोगे, ठीक है, इसको लिख सकते हो ना, एक्स मतलब दो प्लस एक्स माइनस दो, लिख सकते हो ना इसको, ऐसे तो लिख ही सकते हो इसको, इस एक्स को भाई दो से दो कट जाएगा तो एफ एक्स मिलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू एफ डैश टू प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश टू फिर प्लस एक्स माइनस टू के पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश टू। बच्चा ये बनाना बहुत जरूरी है, अगर ये बनाने आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम है, कैसे बनेगा वो सोचो आप,
ठीक है, ये सोचना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एफ ऑफ टू बोला है एक्स माइनस टू, ठीक है। तो एफ ऑफ टू निकालो, पहले तो एफ ऑफ एक्स दिया, पहले वहां से निकालो ना। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, आपको दिया है क्योंकि देखो तीन तीन बार तक जा रहा है ना, तीन बार तक, ये तीन बार का चौथे बार में जीरो हो जाएगा। जैसे देखो क्या लिखा है, प्लस का 7x² प्लस का x माइनस 6 लिखा है। यहां से हम f डैश x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 8x² प्लस का 14x प्लस का 1। और फिर f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 8 × 16x प्लस का 14। f ट्रिपल डैश x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 16 मिलेगा। फिर f फोर्थ x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये हमको 0 मिलेगा, मतलब चौथे बार में तो 0 हो जाएगा, तो हम डॉट 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 करना ही छोड़ देते हैं इसको, बिल्कुल हम डॉट 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 नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हर जगह 2 पुट करना है, क्या करना है, हर जगह हमको 2। तो एफ ऑफ 2 करिए, जैसे 2 पुट करेंगे, 2 × 2 की पावर 3 प्लस 7 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 − 6, सॉल्व करिए, 8 × 16 प्लस 7 × 4 = 28 प्लस 2 − 6, 28 × 2 = 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 28 × 2 = 30, 28 × 2 = 30, ठीक है, 30 × 10 = 40, कितना आ जाएगा, ये 40 आ गया, ठीक है ना। फिर f डैश 2 की वैल्यू बोल रहा है, 2 की वैल्यू, तो लिखेंगे 8 × 4 प्लस 14 × 2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे, 8 × 6 = 32 प्लस 28 प्लस 1, 32 × 28 जोड़ो 50, नहीं 32 × 28 तो 60 हो जाएगा ना, 60 × 61 कितना आ जाएगा, 61 आ गया, कितना आ गया, गलत जोड़े हैं क्या, फिर से जोड़ो, तो 40 तो आया है, फिर से जोड़ो, 8 × 6 = 32 प्लस 14 × 28 प्लस 1, 32 × 8 40, 40 × 20 = 60, 61 तो आ रहा है, माइनस तो नहीं ना है, माइनस तो नहीं है, सही है, सोचो पहले तो, सही है। कितना गंदा मैंने डिफरेंशिएशन किया, देख रहे हैं, 3 × 2 = 6 होगा तो मैंने लिखा 8, अजीब हाल है, अजीब हाल है बिल्कुल। जब ये गलत हुआ तो पूरा गलत हो गया। कभी कभी होता है ना कि ऐसी गलतियां होती है जिसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6x² प्लस का 14x प्लस का 1 हो गया, 6 × 12x प्लस का 14 हो जाएगा, यहां से 12 मिलेगा और यहां से 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब करो, अब करो, अब तुमको मिलेगा, ध्यान से सुनना, आपको मिलेगा 6x, मतलब 6 × 4 मिलेगा प्लस 14 × 2 मिलेगा प्लस 1, 6 × 6 = 24 मिलेगा प्लस 14 × 2 = 28 मिलेगा और प्लस 1 मिलेगा, 24 और 28, 8 × 4 = 12, 51 हो जाएगा क्या, देखो 53 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 53 हो जाएगा, ठीक है ना। और f डबल डैश 2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रखो, 12 × 2 प्लस 14 करोगे कितना आएगा, 12 × 2 = 24, 12 × 2 कितना होगा, 24 प्लस 14 कितना आएगा, 24 38 आ जाएगा, तो 38 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, 38 आ गया, काम खत्म हो गया 38। फिर अगला देखोगे ट्रिपल डैश में, यही पे कर दे रहे हैं, एफ ट्रिपल डैश 2 जब करोगे यहाँ से तो 12 ही आएगा। तो फाइनली यहाँ पे जब उठा के रखोगे तो आप लिखोगे जो एफ ऑफ एक्स है उसको लिखोगे एफ ऑफ टू, टू मतलब एफ ऑफ टू कितना है भाई, एफ ऑफ टू है तुम्हारा 40, तो लिखोगे 40 प्लस, फिर क्या लिखोगे, एक्स माइनस टू, क्या लिखोगे, एक्स माइनस टू इंटू एफ डैश 2 की वैल्यू कितना है, 53, तो वहां से लिखोगे 53 अब प्लस, फिर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, और इसकी वैल्यू है, एफ डबल डैश की वैल्यू है 38, 38 प्लस यहां से लिखोगे एक्स माइनस टू के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू, इसकी जो वैल्यू है वो है 12, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखो कट जाएगा, ये काटोगे 2 19 × 38 होता है, 6 × 12
फाइनल जब सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख दू नहीं रखने तो पलट दू, ए लिख देता हूँ बेटा, ये मैं लिख देता हूँ, देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। तो यहां से हमको मिलेगा 40 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, 53x माइनस 2 क्या मिलेगा, 53x माइनस 2, और फिर प्लस x माइनस 2, यहाँ 19 x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस यहाँ से 2x माइनस 3 के और x माइनस 2 के पावर 3 ये मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और यही आपका आंसर होगा, देख लो बढ़िया आंसर है कितना, 40 53 19 2, बहुत बढ़िया आंसर है। मतलब ऐसे फंक्शन का ये एक्सपेंशन आपसे करवाने की कोशिश करें, इस टाइप के फंक्शन का एक्सपेंशन, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, एक संदेश है आप लोग के लिए, आप संदेश देख लो। संदेश ये है कि जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं और मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चा, ये एक पेड कोर्स है बिल्कुल, इसके सारे मतलब फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो इसके सारे कोर्स जो है प्ले स्टोर ऐप DNS एक प्लेटफॉर्म है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां से आपको मिलेगा, वहां से सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन वीडियो तभी आप देख पाएंगे जब तक आप इतना पेमेंट करेंगे, और ये पेमेंट बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं कोर्स पूरे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, कोर्स का ड्यूरेशन है 5 मंथ, मतलब 5 मंथ में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो चारों खत्म हो जाएगा। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं उनके लिए भी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हैं उनके लिए, जो स्टैटिक्स भी लिए हैं उनके लिए भी बात करें, क्योंकि स्टैटिक्स का भी चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोर्स 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वैलिडिटी होगा 1 साल, मतलब वो आपके ऐप पे 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, मतलब वो खत्म नहीं होगा, आप उसको बाद में भी देख सकते हो, एग्जाम बाद भी अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो गोल्डन चांस है आपके पास, ये चार्ज इतना कम चार्ज है कि आप यदि ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में 1 महीने का फीस इससे ज्यादा होता है, और यहाँ पे एक ही बार पेमेंट करिए, पूरे पांच महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस के साथ साथ आपके पूरे MCQ टाइप के और उस टाइप के जो इतने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें की सुविधाएं मिलेगा आपको, डाउट क्लास भी लिया जाएगा, कुल मिला जुला के देखा जाए तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, इसको मिस मत करिए। आप अपने एग्जाम को, यूनिवर्सिटी के एग्जाम को अगर बढ़िया बनाना चाहते हैं तो इससे जुड़ने का प्रयास करिए, जुड़ के देखिए कि वास्तव में क्या है। बहुत ज्यादा देखिए पेमेंट नहीं है, अगर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पेमेंट है कैसे करेंगे, नुकसान हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार जुड़ के देखिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए वैसे आगे देखते हैं, अब हमारी जो अगली क्लास रहेगी, एक क्लास हम टेलर्स पे और लेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरी टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।